गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द सेठ फैमिली चैनल। सो टुडे इज मंडे और वीक की शुरुआत हो चुकी है। रिदा को उठा दिया है मैंने, आई एम जस्ट गेटिंग हर रेडी। और अभी आपको दिखाते हैं रिदा के टिफिन में आज क्या जा रहा है। टुडे आई एम सेंडिंग सम मैंगोज और टिफिन में है हमारे फ्रेंच टोस्ट, स्प्राउट्स और मंच करने के लिए हैं ये मखाने। तो ये जा रहा है आज टिफिन में। देखो क्या खा के आती है क्या नहीं। और नूनू आ रही है रिदा को। हाँ जी, और भूख लग रही है। भूख लग रही है, जैबरा दे दो। दे दो ठीक है, उसके ब्रेड के कॉर्नर्स काट देना। ठीक है, आई विल जस्ट गिव इट टू यू। और ज्यादा ज्यादा। अरे आप तो बहुत प्रिटी लग रही हो आज अपने हेयर स्टाइल में। थैंक यू। थोड़ा नहा लूं, कपड़े वपड़े चेंज कर लें और फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो जी आपसे बात करके गई थी मैं सो, और मतलब साफ सफाइयाँ करने के बाद, सारा काम करने के बाद हम सो गए थे। माला भी सो जाती है थोड़ी देर, मैं भी सो जाती हूँ ताकि एनर्जी रहे फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अभी उठ के नहाए धोए हैं और रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, बट मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, घर पर ही तैयार हो गई हूँ मैं। और अभी बैठूंगी, व्लॉग एडिट करूँगी। व्लॉग एडिट करने में लग जाएंगे डेढ़ दो घंटा तो लग ही जाएगा। उसके बाद फिर रिदा के आने का टाइम वाइम हो जाएगा, फिर रिदा को लेके आएंगे जाके। तो वक्त हो गया रिदा को लेके आने का, व्लॉग हो गया मेरा एडिट, बैठ के कर लिया था। अब फोन आ गया बस वाली दीदी का कि रिदा आ गई है मतलब पहुंचने वाली है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट हर, फिर आके रिदा के साथ बैठ के ही लंच करेंगे। आज कुछ ज़्यादा खाया नहीं है तो बस अब भूख लगी है बहुत ज़्यादा, लेके आती हूँ और फिर बैठते हैं लंच करते हैं। दोस्तों मेरा पता है इस बारी क्या मन हो रहा है, बिकॉज सेठी साहब तो बहुत बिजी चल रहे हैं और उनके पास टाइम होगा नहीं। छुट्टियाँ वुट्टियों में आई थी, उनका पीक पे होगा, प्रोजेक्ट उनका लॉन्च होने वाला है। सो मेरा मन हो रहा है मैं रिदा को लेके कहीं एक महीने के लिए चली जाऊँ, मतलब कि जैसे ऋषिकेश वगैरह में जाके थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए गंगा किनारे। तो अगर आप लोगों को कुछ पता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी वगैरह पता है विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑब्वियसली इफ आई वांट टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल सी इफ आई कैन एक्सप्लोर दैट। नहीं पापा नहीं है, रिदा से ठीक आ गई हैं पर बहुत ही थकी हुई लग रही हैं। ऐसी सी आई हैं बस में से, देखें थक गए। चलो चलो चलो, तो बहुत थकी हुई है और नींद में ही है, बोल रही है सोना है। तो देखती हूँ जाके थोड़ी देर से लेट आती हूँ आज। राम राम जी, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक ठाक ही है, थोड़ी बहुत ही डाउन ही है ना। ठीक चल रही है वैसे, वीकनेस हो रही है बस। देखें क्या बना हुआ है, ये बनी हुई है पनीर भुर्जी जो कि रिदा की फेवरेट है, और रोटी खिलाते हैं, रिदा को सुलाते हैं। फिर पापा कर रहे हैं अपना वेट चेक, हमें लग रहा है उनका वेट गिरा है। गिरा है 82.90, कितना था पापा? 84 था, 85 था। हाँ। आपके फेस से ही लग रहा है। 2 किलो 10 ग्राम। हाँ। पापा को ये वीकनेस बहुत ज्यादा, खाना उन्होंने खाया नहीं है अभी, और मैं अभी ग्लूकोज मंगाया है बिकॉज आगे आगे हमारे घर में लग जाता है ग्लूकोज ना, गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी तो वो भी पीने से इंस्टेंट आपको मतलब एनर्जी आती है। और अभी हम खोल रहे हैं नारियल पानी, नारियल पानी देते हैं अपने। तो ये पापा का नारियल पानी और थोड़ा सा रिदा का, देखते हैं वो पीती है कि नहीं पीती है। तो सेठी साहब का आया है पैकेज, देखते हैं हमने क्या मंगाया उनके लिए। लेट्स सी, इसको कहीं टिकाती हूँ, रुको जी। डबल चिन लिखी हुई इस वाले एंगल पर, चलो कोई बात नहीं।
देखो सच कलरफुल सॉक्स, यू सी दिस पर्पल एंड येलो। इसमें तो हम टिप्पी टिप्पी टॉप खेल सकते हैं, सारे कलर हैं। इसके बीच भी और भी है, इतनी है नहीं डबल चिन जितनी अभी इस एंगल में दिख रही है। कोई कलर नहीं छोड़ा है हमने, समझ रहे हैं आप। हाय बीज बनी हुई है, हाउ नाइस है। मुच्छा आलिया गुलाबा, तो सेरी साहब की पुरानी वाली सॉक्स जो थी वो सारी की सारी ऐसी हो रही थी, मतलब एक आधी ऐसी हो रही थी कि फट रही थी, तो हमने फिर बैठ के नई सॉक्स ऑर्डर करी। तो सारी कलरफुल, देखो कितने रंग भर दिए हैं मैंने उनकी जिंदगी में। ये वाली देखोगे ना, केला सारे फ्रूट्स हैं भाई इसमें तरबूज, वाटरमेलन, कीवी, कमाल नहीं होगी, देख रहे आप। ये क्या है, ये शायद नींबू है, ये भी है। तो बहुत सारी सॉस आई, कितनी, एक पैकेट में चार है, सो 12 जोड़ी जुराबे आई हैं सेठी साहब की। नए नए जुराबा पाके जानी है उन्होंने रोज। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो ऐसी जुराबें खरीदने के लिए, किसी के हस्बैंड पहनते हो या कोई लड़का देखता हो और इंटरेस्टेड हो ऐसी जुराबे पहनने के लिए, तो लिंक मैं दे दूंगी इसका सबका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बिकॉज हमें बहुत सारी साइट्स देखनी पड़ी थी तब हमें जाके मिली थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द साइट्स पे मिल रही थी बट एंकल लेंथ मिल रही थी। वी वॉन्टेड थोड़ा पूरे वाली जो होती हैं, एंकल लेंथ नहीं चाहिए थी, और डिज़ाइन वगैरह नहीं मिल रहे थे अच्छे ऐसे वाले कलरफुल। सो ये बड़ी वाइब्रेंट सी और बहुत अच्छी हैं, एंड दे लुक वेरी नाइस है फॉर्मल्स के साथ ना, दे लुक रियली नाइस। सो अगर किसी को चाहिए सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सो यू कैन चेक इट एंड यू कैन ऑर्डर इट, गिफ्ट भी कर सकते हो, पता है। अनुदा मैडम घर के बाहर बैठी है भाई, माला को भी लेके बैठी है, पता नहीं क्या कर रही है, क्या चल रहा है। हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो तुम बाहर क्यों आ गई हो? गंद पड़ जाएगा, चलो मनाओ फिर दिखाना, ठीक है। तो हमारी चल रही है शाम की चाय, चाय पी जा रही है, दीदिका से आया था एक कप, दीदिका जो हमारे घर के पास हाइपरमार्ट खुला ना वहाँ से। रिदा बैठी है ऊपर, वो कुछ अपना पढ़ वढ़ रही थी, और घर पे अभी पापा गए हुए हैं वॉक पे, तो देयर इज़ नोबडी एट होम। आज सेठी साहब जल्दी आ जाएंगे तो उनका इंतज़ार हो रहा है, बट उससे पहले मैं रिदा सेठी को सुला दूँगी। रिदा की है कल पिकनिक, शी विल गो टू सी द मोन्यूमेंट्स स्कूल से, तो एक्साइटेड है। मैंने बोला हुआ है सर को थोड़े से चिप्स विप्स के छोटे पैकेट, बिकॉज पिकनिक है वैसे तो आई एम नॉट गिविंग हर, बट ठीक है बच्चे को कभी कभी तो दे सकते हैं। अब बहुत ही कम हो गया है वैसे उसका ये चॉकलेट वॉकलेट, तो आई थिंक उससे ठीक भी है, रिसेंटली उसने हाल फिलहाल कंप्लेन भी नहीं करी है, तो शी इज़ फीलिंग गुड। सो गुड इवनिंग जी, क्या हाल चाल हैं सब लोगों के? आई एम श्योर एवरीबॉडी इज़ कीपिंग वेल एंड सब लोग मज़े में होंगे। तो मैं आ गया था टाइम से घर यार, आज 8:15 आ गया था मैं, और देन बस आके थोड़ा बहुत खाना वाना खाया। आज लंच नहीं किया था मैंने ऑफिस में, लंच बाहर किया था अपने बॉस के साथ, तो लंच आके गरम करवाया हमारा दीदी से। मम्मा गई हुई थी चांदनी चौक और मासी से मिलने, तो मैडम लोग घर पे ही थी, बट रिदा सो चुकी थी, रिदा को जाना है कल सुबह पिकनिक, तो मैं उसके लिए छोटे छोटे पैकेट ऑफ चिप्स लेके आया हूँ। हेलो, तो ऐसे करिए जैसे मिली नहीं तुम पूरे दिन में उनको, बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। कितने साल बाद? नहीं मतलब दोपहर को मिली थी, अब दोबारा अभी मिल रही है। अच्छा, बनान पाई है मतलब प्रॉपर्टी से, मेरी भी प्रॉपर्टी शर्ट है। किसी का मैसेज आया बता, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कपड़े कम होते जा रहे हैं। पीसी का हाँ। प्रियंका मैंने कहा चावला चौपड़ा, हाँ, मैंने कहा कि भाई आए हो किससे कम ना हो, जितने हो गए इससे ज्यादा उतरे तो बस फिर उतर ही जाएंगे। हो नहीं सकते यार इससे कम, तो बस अब कुछ रह ही नहीं गया है, बनियानों में तो आ ही गए हम, कच्चा रह गया तुम्हारा। निक्कर नहीं, अभी निक्कर भी है। हाँ निक्कर की बात कर रही हूँ। ओह यू मीन दैट? नहीं भाई इतना भी नहीं रहा हूँ, मैं निकल नैकर की बात कर रही हूँ। तो अभी हमने सीरीज एक्चुअली शुरू करी हुई है नागा राणा नायडू, राणा ना क्या राणा नागा राणा राणा नागा राणा नागा नायडू नहीं राणा नायडू गाइस, देख रहे हैं हम लोग। हाँ
हाँ, नेटफ्लिक्स पे है बट अमेजिंग है भाई, हमें दिव्या ने सजेस्ट की थी और हम लोग बस अभी देख रहे हैं, वो तो अच्छी लग रही है। और अर्जुन भी वापस आ गया है बॉम्बे से, तो कल 10 बजे लैंड करना था, तो लैंड कर गया होगा अभी। अब देखो एक दो दिन में मिलेंगे हम फिर से। ऐसे ना, ऐसे देखो ये क्लियर आ रही है, अपने आप थोड़ी एडजस्टमेंट कर लिया करो, फिर आप बोलते हो कि मैं करेक्ट करती रहती हूँ, तो भाई 2 साल बाद ही करेक्ट करने की। अब ये देखो, अगर आपने यहाँ पकड़ा हुआ तो ये इस तरीके से आ रहा है। इफ यू गोइंग टू चेंज द एंगल यू विल हैव अ यू नो क्लियर व्यू। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं बहस कर लो, तुम इस पे भी बहस कर लो, कोई नहीं जी। चलो जी मैं जा रही हूँ अंदर, आपका हो गया? हाँ मेरा भी हो गया, सी यू गाइस, बाय बाय। तो सीरीज देखते देखते सीरीज आपको आ गई नींद और वो गए हैं सो, और अब मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ बिकॉज हम लोग साथ में देख रहे हैं, तो मैंने सोचा उनके साथ ही देख लेंगे, कल कर लेंगे हम अपनी सीरीज फिनिश, हो जाएगी, एक आधा एपिसोड ही रह गया। तो हम मिलेंगे, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलेंगे आपसे कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं क्यों हंस रही हूँ, मेरे मुंह पे ऐसा थोड़ा सा स्माइल आ रहा है बिकॉज अभी आई मेड फ्यू जस्ट फंबलिंग। मिलेंगे कल, मिलेंगे सब्सक्राइब वाले में, मेरा भी फंबल हो रहा था, बट चलिए कोई बात नहीं। टेक केयर, स्टे सेफ एवरीवन।